ट्रेडिशनल तरीके से बिजनेस बिल्ड करना काफी टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली, जैसे मैंने पहले बताया। इसीलिए जहां की एक ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल के अंदर आज से 5-10 साल पहले एक ट्रेडिशनल बिजनेस को बिल्ड करने के लिए कम से कम 10-12 साल लगते थे, वहीं आज की डेट में आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अगर एक फोकस तरीके से अगर आप काम करें तो 2 साल के अंदर एक सॉलिड बिजनेस अपना बिल्ड कर सकते हैं। इसीलिए डिजिटल बिजनेस बिल्ड करना आज की डेट में काफ़ी पॉपुलर भी है, और डिजिटल बिजनेस बिल्ड करने के कुछ रीज़न भी हैं जो मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ। नंबर एक, कॉस्ट इफेक्टिव। ट्रेडिशनल बिजनेस के मुकाबले डिजिटल बिजनेस जो होते हैं वो बिल्ड करना काफ़ी सस्ता है। आपको फिजिकल स्टोर या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे वेबसाइट, सोशल मीडिया चैनल्स और ईमेल मार्केटिंग का यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड, ग्लोबल रीच। डिजिटल बिजनेस बिल्ड करने के लिए किसी एक जगह पर नहीं रहना पड़ता है, आप किसी भी जगह से अपने बिजनेस को चला सकते हैं और ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। ईजी टू मेजर सक्सेस। डिजिटल बिजनेस को रन करना और मेजर करना काफ़ी आसान होता है। आप वेबसाइट एनालिटिक्स और सोशल मीडिया इंसाइट्स का यूज़ करके अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकते हैं। आपको अपने कस्टमर्स के बिहेवियर और प्रेफरेंसेस को ट्रैक करने में भी हेल्प मिलती है। फोर्थ, फास्ट फीडबैक लूप। डिजिटल बिजनेस में फीडबैक लूप काफ़ी फास्ट होता है। आपके कस्टमर आपको डायरेक्टली फीडबैक दे सकते हैं और आप उनके कमेंट्स और सजेशंस का क्विक रिस्पॉन्स दे सकते हैं। इससे आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। फिफ्थ, स्केलेबिलिटी। डिजिटल बिजनेस को स्केल अप करना काफ़ी आसान होता है। आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को आसानी से अपग्रेड कर सकते हैं और अपने कस्टमर्स बेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। सिक्स्थ, कन्वीनियंस फॉर कस्टमर्स। डिजिटल बिजनेस में कस्टमर्स को परचेज करना काफ़ी आसान होता है। वो किसी भी समय और किसी भी जगह से परचेज कर सकते हैं। इससे कस्टमर्स की कन्वीनियंस और सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज हो जाता है। ओवरऑल डिजिटल बिजनेस बिल्ड करना काफ़ी सही है, क्योंकि इसमें कॉस्ट इफेक्टिव, फ्लेक्सिबिलिटी है और कन्वीनियंट बेनिफिट होते हैं। डिजिटल बिजनेस के यूज से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं और ग्लोबल मार्केट में आगे अपनी पकड़ बना सकते हैं। थैंक यू।